पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी दो बार चिट्ठी लिखते हैं और इस बार तो उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ जनलोकपाल नहीं, एक अच्छा जनलोकपाल बिल तो हम लाएंगे लेकिन साथ साथ राइट टू रिजेक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम सभा को अधिकार, ये होकर जब अभी बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे विश्वास हो रहा है कि शीतकालीन अधिवेशन में ये बिल आएगा, अच्छा बिल आएगा, अच्छा बिल आएगा। और फिर आप कांग्रेस के खिलाफ मुहिम रोकेंगे? फिर कांग्रेस के विरोध में मुहिम चलाने की क्या जरूरत है, उल्टा उन्होंने ये बिल लाया तो कांग्रेस को हम साथ देकर देश में घूमेंगे। ये सब कानून अगर बन जाए तो कांग्रेस को विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन बलशाली भारत का सपना पूरा करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर हम काम करेंगे देश में। सवाल ये उठा कि क्या अन्ना राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अन्ना को राष्ट्रपति बनाने की दिशा में लेके जा रही है, आप बनेंगे राष्ट्रपति? क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए तो एक तो मेरी पात्रता नहीं है और दूसरा मेरी इच्छा भी नहीं है। जैसे अभी दिग्विजय सिंह ने कहा, ऐसे हमारे महाराष्ट्र में भी, ये मैं अखबारों में दो तीन दिन न्यूज चला था कि बीजेपी कांग्रेस वाले आंदोलन को पीछे लेने के लिए अन्ना को राष्ट्रपति बनाने की सोच रहे हैं। तो ये कांग्रेस वाले भी और इधर बीजेपी सोच रहे हैं। तो अगर आप, तो मैं उनको ये कहा कि मेरी जब इच्छा नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है, तो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले ये हवा में तीर क्यों छोड़ रहे हैं? लेकिन अगर आपसे कहा जाता है, सोनिया गांधी कहती हैं, गडकरी कहते हैं कि अन्ना जी हम चाहते हैं देश के राष्ट्रपति आप बने, बिल्कुल नहीं बनोगा। क्यों? आज जो मैं काम कर रहा हूँ ये भी नहीं कर पाऊंगा, आज मैं बाहर रहकर जो काम कर रहा हूँ पूरी देश के लिए, फिर वो ग्राम विकास का हो, वाटर से डेवलपमेंट का हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हो, ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये अगर मैं उस पद पर गया तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। आज ये करना, ये मैं बाहर रहते हुए जो कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा काम है, तो मुझे वो पसंद नहीं है, ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ। आपके सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि अन्ना संसद के ऊपर हैं, उसको लेके बहुत बवाल हुआ कि अन्ना संसद के ऊपर कैसे हो सकते हैं, क्या केजरीवाल का वो बयान सही था? नहीं, वो बयान जो किया होगा मुझे पता नहीं, उसने बताया नहीं मुझे, लेकिन अगर ऐसे बोला होगा कि अन्ना संसद के ऊपर है तो वो गलत है। अन्ना संसद के ऊपर नहीं, जनता संसद के ऊपर है, जो दिल्ली की संसद है उससे बड़ी है जन संसद, जिसने जन्म दिया है उसको वो बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता।